हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे एम आर रेडमी नोट 10 लाइट में और इन्फिनिक्स नोट 10 में और देखते हैं कि बेस्ट फ़ोन कौन सा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी से, तो एम आई की है 6.67 इंच की और इन्फिनिक्स की है 6.95 इंच की और दोनों फ़ोनों का रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल और दोनों फ़ोन की स्क्रीन IPS LCD डिस्प्ले। दोनों फ़ोन में आपको पंच होल कैमरा मिलता है। और अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर की, जो कि हर स्मार्टफोन का एक मेन पार्ट होता है। तो MI का जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन का 720G का और CPU 2.3 का हार्ट ऑक्टा कोर का और 8 नैनोमीटर्स का फिनफैट। GPU है 618 का और इन्फिनिक्स का जो प्रोसेसर है वो है MediaTek का G85 का। CPU 2.0 का हार्ट ऑक्टा कोर का, 12 नैनोमीटर्स का फिनफैट और इसका GPU है G52 का। प्रोसेसर क्वालिटी में MI बेस्ट है। बात करते हैं बैक कैमरे की, तो MI का है क्वाड में जो मेन कैमरा है 48 का और इन्फिनिक्स का है ट्रिपल जो मेन कैमरा है 48 का। बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो दोनों का सेम है, 16 मिसल का मिल जाता है पंच और डिस्प्ले के साथ। दोनों फ़ोन के कैमरा में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। बात करते हैं बैटरी लाइफ की, तो MI में है 5020 mAh की, इन्फिनिक्स में है 5000 mAh की और दोनों फ़ोन की बैटरी स्नोनेबल है, आप दोनों की बैटरी को निकाल नहीं सकते। बात करते हैं चार्जर की, तो दोनों में सेम है, 18 वाट का चार्जर मिलता है। दोनों में टाइप्स का सपोर्ट है, दोनों में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस लॉक पे मिल जाता है। बात करते हैं सिम की, तो आप दोनों ही फ़ोन में 2 सिम और साथ में एसडी कार्ड डाल सकते हो। दोनों की है वारंटी 1 साल की और कनेक्टिविटी है 3G और 4G की। बात करते हैं रैम की, तो दोनों में सेम है 4G और 6 GB की। बात करते हैं मेमोरी की, दोनों में सेम है 64 GB 128 GB की और आपको दोनों ही फ़ोनों में एंड्रॉयड 11 मिलता है अपने अपने UI के साथ। बात की जाए प्राइस की, तो MI का है स्टार्टिंग 13,999 रुपये, इन्फिनिक्स का है स्टार्टिंग 10,999 रुपये। तो फिर आपको दोनों फ़ोनों में से कौन सा फ़ोन पसंद आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।